स्वागत है आपका ज्ञान की बात केशव मुमगई के साथ में। मैं हूं आपके साथ केशव। आज हम बात करेंगे रत्नों के बारे में। रत्न हम सब लोग पहनते हैं, देखिए मैंने भी पहने अपने हाथ। रत्न क्यों पहनते हैं? रत्न किसी स्पेसिफिक ग्रह से ताल्लुक रखते हैं, तो अब उस ग्रह को हम पावर दे सके, उससे हम फायदा उठा सके, इसलिए हम रत्न धारण करते हैं स्पेसिफिक ग्रह का। जो ये रत्न होते हैं ये वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं, रेडिएशन क्रिएट करते हैं, तो जो ऊपर ग्रह घूम रहे हैं, जैसे मैंने ये पहना है गोमेद, तो गोमेद मैंने जो पहना है तो इससे एक वाइब्रेशंस निकल रही होंगी, और ऊपर जो राहु ग्रह घूम रहा है उसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो मेरी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रही होंगी इसकी वजह से। या फिर आप पन्ना रत्न अगर आपने धारण किया है तो इसकी वाइब्रेशंस ऊपर जो मरकरी बुध ग्रह घूम रहा है उसकी वाइब्रेशंस आपकी बॉडी में ट्रांसफर करेंगी, जिससे आपका वो ग्रह मजबूत होगा, या जिस उस ग्रह से अगर आपको लाभ चाहिए तो आपको वो लाभ मिलेगा। अब हम राशि लग्न अनुसार आपको बता रहे हैं कौन सा ग्रह का रत्न आप पहन सकते हैं, कौन सा रत्न आपके लिए लाभकारी होगा। अगर आप मेष लग्न में पैदा हुए हैं, राशि में पैदा हुए हैं, तो आपके लिए मूंगा रत्न बेस्ट रहेगा, और माणिक्य रत्न आप उसके साथ पहनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसे पहनने से आपको अनसर्टेन गेन्स मिलेंगे। मंगल आपका स्वामी है राशि का, लग्न का, तो आप और पंचम भाव का स्वामी सूर्य है, इन दोनों की मित्रता वैसी ही है, आपको इससे अनसर्टेन गेन्स। वृषभ राशि, शुक्र देव आपके राशि और लग्न के स्वामी है, हीरा रत्न आप धारण कर सकते हैं। उस लग्न से पंचम भाव का स्वामी है बुध, तो आप पन्ना रत्न भी धारण कर सकते हैं। पुखराज रत्न आपको नहीं धारण करना है, जिससे आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है पुखराज अगर आप धारण करेंगे तो। मिथुन राशि, पन्ना रत्न आप धारण कर सकते हैं, हीरा आप धारण कर सकते हैं। नीलम धारण करने से आपको हमेशा बचाव करना है, नीलम के बारे में कभी सोचिए। कर्क राशि लग्न, मोती रत्न आप धारण कर सकते हैं, और मोती के साथ अगर आप मूंगा पहने तो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। यही नीलम की बात आ गई, नीलम रत्न आप कर्क राशि वाले या कर्क लग्न वाले बिल्कुल धारण मत कीजिए। सिंह राशि, माणिक्य रत्न धारण कर सकते हैं, पर पुखराज धारण करने से बचाव करें। कन्या राशि, बुध इनका स्वामी है, पन्ना रत्न आप धारण कर सकते हैं, पन्ने के साथ आप नीलम रत्न धारण करेंगे तो आपको अनसर्टेन गेन्स मिलेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मूंगा रत्न धारण करने से परहेज रखें। तुला राशि, आपका राशि स्वामी शुक्र है, हीरा रत्न धारण करने से, नीलम धारण करने से आपको लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि, आपका राशि स्वामी, आपका लग्न स्वामी मंगल है, मूंगा रत्न और पुखराज रत्न एक साथ धारण करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप पन्ना रत्न बिल्कुल धारण मत कीजिए, ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। धनु राशि या लग्न, पुखराज रत्न और मूंगा रत्न एक साथ धारण करने से आपको लाभ होगा, और आपके लिए मोती बहुत हानिकारक है। मकर लग्न राशि, नीलम रत्न आप धारण कर सकते हैं, हीरा आप धारण कर सकते हैं, माणिक्य धारण करने से परहेज रखें, माणिक्य आपका सब कुछ छीन सकता है। कुंभ लग्न राशि, नीलम धारण कर सकते हैं, पन्ना धारण करने से आपको परहेज रखना है। मीन राशि, पुखराज मोती धारण कर सकते हैं, हीरा धारण करने से परहेज रखना है। अब मैं आपको एक छोटी जानकारी देना चाहूंगा मूंगे और मोती के बारे में। मूंगा हम सब लोग बोलते हैं रत्न है, पत्थर है, मोती के लिए बोलते हैं पत्थर है, नहीं, दोनों समुद्र से उत्पन्न होते हैं, इनकी कोई खदान नहीं होती, इनकी कोई खाने नहीं होती। ये मोती तो आपको पता होगा सीप के अंदर से निकलता है। मूंगा एक वनस्पति है, एक पौधा है जो समुद्र के अंदर लगता है। इसकी बड़ी बड़ी टहनियों को तोड़ के काट के इसको तराश के आपके सामने कट पीस बनाया जाता है मोती। जो असली मोती है वो तो सीप के अंदर कोई ही पत्थर के आने से वो उसके ऊपर एक शेल क्रिएट हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड का एक शेल क्रिएट हो जाता है, इसलिए उसे वो मोती बहुत अच्छा रहता है। परंतु जो आजकल मोती बनाए जा रहे हैं वो केमिकल डाल के सीप के मुंह के अंदर ऐसे बनाए जा रहे हैं।
अगर आपको रत्नों की कोई भी जानकारी चाहिए, क्रिस्टल्स की जानकारी चाहिए, तो आप प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छी जानकारी और एक्यूरेट जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद, मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए ज्ञान की बात केशव मंगई के साथ में। नमस्कार।